नमस्कार, मैं हूँ स्वर्णिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं पीसी न्यूज। आतंकी संगठनों की फंडिंग पर बनी संपत्तियां अब होंगी जब्त। जी हाँ, आतंकी संगठन जैसे कि लश्कर ए तैयबा, जो कि देश में कट्टरता फैलाने के इरादे से फंडिंग कर रहे थे मदरसों और मस्जिदों की, उनकी संपत्तियां अब जाँच के तहत जब्त की जाएंगी। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मस्जिदों और मदरसों की फंडिंग के खुलासे के बाद सभी जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मामले की एएनआई जांच जारी है, लेकिन जल्द ही परिवर्तन निदेशालय भी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत जांच शुरू कर सकता है। ईडी के जांच शुरू होने के बाद आतंकी फंडिंग से बने मदरसों और मस्जिदों की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत ईडी को काली कमाई से बनाई गई किसी भी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। दरअसल पिछले महीने एएनआई ने देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे लश्कर ए तैयबा के आतंकी फंडिंग के मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि आतंकी फंडिंग का ये जाल सिर्फ कश्मीर के आतंकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि लश्कर ए तैयबा मस्जिदों और मदरसों के माध्यम से देश के भीतर कट्टरता फैलाने की भी साजिश कर रहा है। आतंकी फंडिंग के लिए गिरफ्तार मोहम्मद सलमान हरियाणा के पलवल जिले में एक गाँव के मस्जिद के इमाम भी है। पूछताछ में खुले सलमान ने स्वीकार किया कि आतंकी फंडिंग के पैसे का इस्तेमाल उसने मस्जिद और मदरसे बनाने में किया। इसके बाद एएनआई ने मस्जिद की तलाशी ली और कई दस्तावेज बरामद किए। एएनआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही केस से जुड़े दस्तावेज ईडी को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे केस दर्ज होगा और ऐसी संपत्तियों का पता लगाकर उन्हें जब्त किया जाएगा। एएनआई के अनुसार लश्कर ए तैयबा, सरगना और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद फलाह इंसानियत के माध्यम से आतंकी फंडिंग कर रहा था। फलाह इंसानियत भी लश्कर ए तैयबा का मुखौटा संगठन है और संयुक्त राष्ट्र ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। जांच एजेंसी की नजर से बचने के लिए आतंकी फंडिंग के लिए दुबई में रहने वाले फलाह इंसानियत से जुड़े एक पाकिस्तानी का इस्तेमाल किया जाता है। ये पाकिस्तान एक और निजामुद्दीन में रहने वाला मोहम्मद सलमान को हवाला व अन्य माध्यम से लाखों रुपए भेजता है और साथ ही पाकिस्तान स्थित फलाह इंसानियत के डिप्टी चीफ के साथ लगातार संपर्क में था। एएनआई ने मोहम्मद सलमान के साथ साथ फलाह इंसानियत की ओर से पैसे मांगने वाले हवाला ऑपरेटर दरियागंज के मोहम्मद सलीम उर्फ मामा और श्रीनगर के अब्दुल राशिद को भी गिरफ्तार कर लिया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पीसी न्यूज़।